उस मूवी के बीच में मैंने रो भी दिया क्योंकि इतना इमोशन था मूवी में। मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया था और जो भी कुछ दिखाया गया था वो सारे लगभग लगभग रियल थे। हर किसी को पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए आपको या तो एक अच्छी जॉब करनी होगी और नहीं तो एक अच्छा बिजनेस करना होगा। उसको करने के लिए आपको एक बेसिक एजुकेशन की जरूरत पड़ता है। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ, अमित कुमार, और आज मैं मूवी देखने जा रहा हूं सुपर 30। और मैं बता दूं ये मूवी 12 जुलाई को रिलीज हुई थी और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस मूवी को ऑलरेडी देख चुका होगा। और आज है 6 अगस्त और आज जा रहा हूं ये मूवी देखने। मूवी देखने का रीजन ये था कि मैंने आज न्यूज देख रहा था, उसमें ये मूवी के बारे में बताया जा रहा था। ये मूवी अभी तक 174 करोड़ रुपया कमा चुका है। मूवी 12 तारीख को रिलीज हुई थी और 21 तारीख तक ये मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गया था। और ये मूवी बिहार के एक आनंद कुमार मैथमेटिशियन गुरु है उनके जीवनी पे मूवी बनाया गया है। और मूवी बिल्कुल बहुत अच्छा है जैसे कि मैंने सुना है अपने फ्रेंड और न्यूज में। तो मैं जा रहा हूं मूवी देखने, शो है 9:40 का और मैं अभी हूं बेंगलुरु में। तो चलो चल के देखते हैं मूवी। और इससे पहले जाने से पहले जहां तक मैंने इस मूवी के बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे आइडिया लगा एक चीज, क्योंकि जिस देश में इंडिया में हम रह रहे हैं, यहां आप कहीं भी चले जाओ तो हर किसी को पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए आपको या तो एक अच्छी जॉब करनी होगी और नहीं तो एक अच्छा बिजनेस करना होगा। उसको करने के लिए आपको एक बेसिक एजुकेशन की जरूरत पड़ता है। और एजुकेशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हम सभी को मालूम है। हमारे लिए दो स्कूल है, गरीब के बच्चे के लिए अलग स्कूल है, अमीर के बच्चे के लिए अलग स्कूल है। अगर आपको अच्छा एजुकेशन लेना है, डिपेंड करता है कितना पैसा आप डालो। पानी का एक डेक्ची ले लो और उसमें जितना चीनी जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो आज के समय में हमारे यहाँ एजुकेशन भी कुछ उसी तरह से हो चुका है। डिपेंड करता है कहाँ से पढ़ना चाहते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको एक अच्छी खासे अमाउंट पे करना पड़ता है। और ये मूवी इसी बेस पर है। तो चलो चलकर देखते हैं मूवी क्या है मूवी और कुछ ऐसे चीज जो हमारे समाज से कभी वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर कुछ लोग चाहे तो हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है कुछ लोग चाहेंगे, क्योंकि आज हमारे समाज में एक बिजनेस की तरह ये फैल चुका है। हर लोग एजुकेशन के नाम पे पैसा कमाना चाहते हैं। तो चलो चल के देखते हैं मूवी कैसा है मूवी और उसके बाद में फिर बात करते हैं। और ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है, मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो मैं मूवी बहुत पहले देख चुका होता। फिर भी चलो चल कर देखते हैं 1 मंथ बाद ही सही। और आज मैंने चेक करा था आईनॉक्स पे मूवी कौन कौन से लगी है। तो जहां पर मैं हूं बेंगलुरु में एमजी रोड में, वहां पर लीडो मॉल है, वहीं पर है आईनॉक्स, वहां पर मूवी लगी हुई है। 9:40 का टाइम है, चल कर देखते हैं मूवी और देखते हैं सच में मूवी जैसा न्यूज में दिखाया जा रहा है मूवी वैसा ही है कुछ डिफरेंट है। चल कर देखते हैं मूवी, तब पता चलेगा यार। तो चलो चलते हैं मूवी। अगर आपने मूवी देखा है तो प्लीज बिलो द कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जाकर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हमें जाना है डाउन, बगल में जहां पर मैं भी ठहरा हूं, जस्ट उसके नीचे ही आइनॉक्स है। चल के मूवी देखते हैं और देखते हैं कैसा मूवी है, उसके बाद फिर बैठ कर बात करते हैं रूम में। ओह अच्छा व्यू दिख रहा है पीछे से। देखते हैं मूवी और बताते हैं आपको सच में मूवी कैसा है। यार बहुत एक्साइटिंग मूवी है जैसा मुझे लगा, तभी मैं मूवी देखने जा रहा हूँ 1 मंथ के बाद। लास्ट मंथ रिलीज हुई थी जुलाई में और मैं जा रहा हूँ अभी अगस्त में मूवी देखने। आइनॉक्स, चलो चल के लेते हैं टिकट। टिकट का प्राइस क्या है वो भी बताता हूँ आपको। आप मूवी देखते हैं सुपर 30। प्राइस पड़ा मुझे 220 रुपीज़। शो का टाइमिंग है 9:40, मगर जैसे उन्होंने मेरे को बताया कि 9:40 से 9:50 के बीच में चलेगा एड, मतलब 9:50 में मूवी स्टार्ट होने वाला है सुपर 30। तब तक थोड़ा बेंगलुरु के रोडों पे थोड़ा चलते हैं, टहलते हैं, देखते हैं कैसा है सर। देखिए मैं विजिट करने वाला हूँ बेंगलुरु, तो आपको ब्लॉग भी मिलेगा, यहाँ का वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। अभी 12:30 हो रहा है और मूवी ओवर। और मैं बता दूँ मूवी इतनी अच्छी है, मैं क्या बताया, इस मूवी में कुछ ऐसे पार्ट्स बताया गया है जैसे पॉलिटिक्स, पुलिस और एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। यार
मूवी वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा है। फाइनली मैंने सुपर 30 मूवी देख लिया, थैंक यू सो मच। एक मंथ के बाद ये मूवी देख रहा हूँ और मुझे लगता है मेरे लिए ही इस मूवी अभी तक चल रहा था थिएटर में। और मूवी यार बहुत अच्छा था, मैंने बिताया और मैंने पूरी मूवी देखा। उस मूवी के बीच में मैंने रो भी दिया क्योंकि इतना इमोशन था मूवी में। मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया था और जो भी कुछ दिखाया गया था वो सारे लगभग लगभग रियल थे। 90% जो भी दिखाया गया इस मूवी में वो रियल था। आनंद सर का रोल जो ऋतिक रोशन ने किया है, ओ माय गॉड, लवली, बहुत अच्छा। इस मूवी में कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स दिखाए गए हैं जो आज भी होता है। अगर आप कुछ ऐसे स्टेट में जाओगे वहां आज भी ऐसा होता है, जैसे पुलिस, लीडर, एजुकेशन में कितना करप्शन है, कितना एक्सपेंसिव है, बहुत कुछ दिखाया गया। मुझे लगा ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी और आप सभी से रिक्वेस्ट करते तो आप जरूर जाके इस मूवी को देखो। इस मूवी को देखने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आज हमारे बीच में एजुकेशन कितना एक्सपेंसिव हो चुका है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस मूवी में दिखाया गया है, इंग्लिश। मूवी देखने का मतलब ये नहीं कि आप थिएटर में ही जाकर देखो, आप ऑनलाइन देख लो या डाउनलोड करके कहीं से मूवी देख लो, आप मूवी देखो उसके बाद बिलो द कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसा लगा। मुझे और इस मूवी में एक चीज और दिखाया गया था जो मुझे बहुत इंटरटेन किया, मुझे लगा कि हाँ वो जो भी दिखा रहा है सही दिखा रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप टाउन में रहते हो तो आपको एक इंग्लिश का अच्छा खासा स्कोप मिलता है। टाउन के बच्चे लगभग लगभग इंग्लिश बोल लेते हैं, मगर जो लोग गांव में रहते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, उनके पास इंग्लिश का स्कोप नहीं है, नहीं मिलने की वजह से वो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जब वो लोग जब गाँव से जब शहर में आ जाते हैं तो उनकी कंपटीशन उन लोगों से हो जाती है जो लोग बचपन से ही इंग्लिश बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ इंग्लिश और वो अपने आप जो लोग शहर में रहते हैं वो सिर्फ एक ही चीज को लेकर चलते हैं कि मुझे इंग्लिश आता है इसलिए मैं गांव के लोगों से अच्छा हूं। इस मूवी में ऐसा दिखाया गया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा मानना है और मैं मानता भी हूं कि जो लोग विलेज से हैं, डिस्ट्रिक्ट से, छोटे छोटे शहर से, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा या कोई भी पढ़ने वाला है तो आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश पर फोकस करना, क्योंकि विदाउट इंग्लिश कुछ भी नहीं। क्योंकि आज 8 साल से मैं घर से बाहर हूं, रह रहा हूं, जॉब कर पढ़ाई करने गया था तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आता था, बस अभी किसी तरह सीख लिया। विदाउट इंग्लिश कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इवन अगर आपके पास MBA का, इंजीनियरिंग का, होटल मैनेजमेंट, MBBS, कोई सी चीज का अगर डिग्री आपके पास किसी कारणवश किसी तरह आपने उसको आपने ले भी लिया और आपको आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक अच्छा खासा जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के समय सिर्फ इंग्लिश का जमाना है। हमने ये भी देखा है कि जो लोग कुछ भी नहीं है सिर्फ वो इंग्लिश बोलते हैं उनको अच्छा खासा जॉब है। तो इस मूवी में ऐसा कुछ दिखाया गया था जो मुझे बहुत मतलब क्या इंस्पायर किया और इस मूवी में मैं मूवी देखकर रो भी गया। देखने लायक है, आपको इस मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अंदर ये मूवी जुनून भर देगा। कुछ इस तरह का मूवी है भाई, आप जरूर देखना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मस्ट लाइफ। अमित कुमार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।